नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देश में चारों ओर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के हसनपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने समर्थकों सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तार को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हसनपुर में भी प्रदर्शन किया गया और नागरिकता संशोधन बिल अधिनियम को जमकर विरोध किया गया और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून को वापस लेने की मांग की गई, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से अपर जिला अधिकारी गुलाब चंद व अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह की मौजूदगी में पूर्व कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तियार को समर्थकों सहित गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एक सरकारी स्कूल में नजरबंद किया गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तियार का कहना है कि यह हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं दिया जाता। देखिए अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। देखिए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से और उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, तब से लगातार इस देश का नौजवान, किसान, व्यापारी और मजदूर, समाज के जो भी वर्ग हैं उसके साथ उत्पीड़न करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। जब आज देश के अंदर बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है, देश के अंदर नौजवान बेरोजगार हो रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है और लगातार सरकार रोजगार ख़त्म करने का काम कर रही है, किसान हैं, ये पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की भी सरकार रही है लेकिन उन सरकारों ने हमेशा गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है कि उसने एक रुपए भी अभी तक किसानों का गन्ने का रेट बढ़ाने का काम नहीं किया। जहां बिजली महंगी हुई है, महंगाई का आलम यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम डेली बढ़ते हैं, आज प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं लेकिन सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। जहाँ तक सवाल है, इन सारे मुद्दों से सरकार बचकर ये चाहती है कि देश के अंदर ऐसे कानून लाए जाएं जो हमारा देश बढ़ जाए। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा ये हिंदुस्तान, हमारी ये मादरे ज़मीं, ये ग़ुलाम थी फिरंगियों की और हम सब लोगों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी थी। उसके अंदर ऐसा नहीं था कि अकेले मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, अकेले हिंदू भाइयों ने लड़ी हो, हम सब एक हुए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान नौजवानों के मुद्दों से हटकर NRC जैसे और CAA जैसे एक्ट लाकर ये लोगों का ध्यान बटाना चाहती है। हम लोग मांग करते हैं कि ये जो NRC कानून है, आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ, बताओ देश के प्रधानमंत्री से पूरी हिंदुस्तान की मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया और पूरे प्रेस और विपक्ष के नेता उनकी डिग्रियां मांगते हैं कि आप अपनी डिग्री दिखाओ, लेकिन प्रधानमंत्री आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। तो वो गरीब किसान मजदूर जो ठेला लगाता है, जो खोमचा लगाता है, जिसके पास खेती नहीं है, जो ठेके पे खेती करता है, अगर वो गरीब आदमी जब उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कि आप बताओ 1970 से पहले इस देश के अंदर निवास करते थे नहीं करते थे, तो आप मुझे बताओ क्या वो आदमी अपने डॉक्यूमेंट दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। जब नहीं दिखा सकता तो उसको इस देश के अंदर घुसपैठिया करार देकर, उस देश के अंदर बाहरी करार देकर इस देश के लोगों को, इस देश के नौजवानों को, किसानों को इस देश से बाहर धकेलने का काम ये सरकार साजिश कर रही है NRC जैसे कानून लाकर और CAA जैसे नागरिकता संशोधन एक्ट लाकर। इस तरह से लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर ये सरकार बांटना चाहती है। हम इस एक्ट का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस एक्ट को तुरंत वापस लिया जाए और हम लोग मांग करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है, जो किसानों के आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है, न्यायालयों के अंदर खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म जैसे अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। कानून की नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपराधी खुलेआम खुले हैं, थाने तहसील भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर बन गए हैं। हम लोग मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से कि सरकार को तत्काल बर्खास्त कराया जाए और देश के अंदर इस काले कानून को वापस लेने का काम किया जाए। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन, JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।